नमस्कारम। आज मैं हस्तरेखा विज्ञान में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाथ में बने त्रिशूल के बारे में। हमारी हथेलियों में बहुत सारी हमारी रेखाएं रहती हैं और उनमें तीन प्रमुख रेखाएं, ये हमारी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा। ये तीनों रेखाएं रहती ही रहती हैं। इसके अलावा कुछ चिन्ह बनते हैं हमारे हाथों में, तो आज उनमें से एक चिन्ह जो बनता है त्रिशूल, उसके बारे में बताता हूँ आपको। हमारे भारतीय समाज और हिंदू धर्म में त्रिशूल का एक विशेष स्थान है और ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। त्रिशूल का नाम या तस्वीर सामने आते ही हम सबके दिमाग में अपने आप भगवान शिव की मूर्ति आ जाती है, क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव जी का शस्त्र माना जाता है। त्रिशूल को इंग्लिश में ट्रिडेंट कहते हैं, यानी ऐसा भाला जिसके तीन मुंह होते हैं। हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र में त्रिशूल को अत्यंत फलदायक और शुभदायक और शुभ चिन्ह माना गया है। अब हम जानते हैं कि किस रेखा पे त्रिशूल बनने से क्या होता है, या हथेली में किस जगह पे त्रिशूल बनने से उसका क्या फल मिलता है। उससे पहले मेरा एक आग्रह है आप लोगों से, जब ये वीडियो चल रहा है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको क्लिक कीजिए, टच कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अब हम जानते हैं सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर त्रिशूल का महत्व। अब आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि सूर्य पर्वत होता कहाँ पे है। ये हमारी हथेली है, ये सबसे छोटी उंगली है, उसके दूसरी वाली ये उंगली, इसके जो नीचे वाला ये भाग होता है इसको सूर्य पर्वत कहते हैं, और किसी के हाथों में ऐसी छोटी सी रेखा होती है उसको सूर्य रेखा कहते हैं। अब सूर्य रेखा पर या सूर्य पर्वत पर अगर त्रिशूल हो, तो जिस जातक के हाथ में त्रिशूल होता है वो किस रूप में होता है, इस तरह से लाइनें जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान शिव का पूरा त्रिशूल ऐसा बन जाए, ऐसा बनता है। ये इसका एक महत्व होता है और ये हमारे हाथ में रेखाओं की तरह बनता है। जैसे ये हमारी सूर्य रेखा है तो इस तरह से लाइनें आ जाती हैं, इस तरह ये त्रिशूल बनता है। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है जिसके हाथ में ये सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर होता है, मनी लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं वो जीता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा पैसा रहता है जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है वर्तमान समय में। अर्थात ऐसे व्यक्ति का आय का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे यदि एक स्रोत किसी कारणवश बंद हो जाता है तो भगवान उसका दूसरा द्वार खोल लेते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि त्रिशूल उल्टा या सीधा, ये सीधा है। अगर ऐसा है इस तरह नीचे हथेली की तरफ, तो ये उल्टा होता है। मतलब इसका मुख उंगलियों की तरफ है तो ये सीधा, और हथेली की तरफ है तो ये उल्टा होता है। यदि उल्टा है तो व्यक्ति को त्रिशूल का लाभ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसको जीवन और रोजगार में अड़चनों का सामना करना पड़ता है। त्रिशूल की जो शाखा है वो एक जगह से शुरू होनी चाहिए, जैसे ये है तो इसकी शाखा यहीं से शुरू होनी चाहिए, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तभी ये त्रिशूल लाभकारी होता है। अब यदि सूर्य रेखा पर त्रिशूल है परंतु सूर्य रेखा खंडित है, ये सूर्य रेखा पर त्रिशूल है पर जो ये रेखा जा रही है
आपको ये बता दूँ, ये हमारा त्रिशूल तो बन रहा है, ये बन रहा है, मगर ये खंडित है। कोई रेखा इसको महीन रेखा हो या स्पष्ट तरीके से काट रही हो या खंडित कर रही हो या ये दोष युक्त है, तो त्रिशूल का लाभ कम मिलता है, ना के बराबर, मतलब त्रिशूल के लाभ में भी कमी आ जाती है। अब हम दूसरे पर्वत के बारे में बताते हैं, त्रिशूल के बारे में। शनि पर्वत पर त्रिशूल या भाग्य रेखा पर त्रिशूल का क्या महत्व है? अब मैं ये बताता हूँ आपको, शनि पर्वत कहते हैं किसको है। ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये तर्जनी के बगल में, इंडेक्स फिंगर के बगल में, इसके नीचे के स्थान को ये शनि, शनि का पर्वत कहते हैं, शनि माउंट, ठीक है। और ये हमारी यहाँ से जाती है जो लाइन, और शनि पर्वत पे जो ख़त्म होती है, भाग्य रेखा कहलाती है। इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से एक वीडियो डाला है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, वो दिखाई गई है, उसको आप देखेंगे तो आपका सारा कुछ पता चल जाता है। भाग्य रेखा और शनि पर्वत पर त्रिशूल होने पर व्यक्ति बड़ा व्यापारी या बड़ा अधिकारी होता है। साथ में एक शर्त है कि ये व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा भी हो और वो दोषयुक्त न हो, खंडित न हो, स्पष्ट, तभी ये चीज़ बन जाती है। और ये त्रिशूल भाग्य रेखा पर ऐसे बनता है इस तरह से, या शनि पर्वत पर ऐसे बनता है इस तरह से, ये शनि पर्वत पे जाता है ऐसे। ऐसा व्यक्ति दानवीर और परोपकारी होता है, अपने धर्म और समाज जन कल्याण के लिए कार्य करने वाला ये व्यक्ति होता है। ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये क्षेत्र चंद्र क्षेत्र कहता है। चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली भाग्य रेखा, अगर यहाँ से कोई भाग्य रेखा ऐसी निकल रही है या इस तरह से निकल रही है और यहाँ मिल रही है, तो इस पे त्रिशूल है, तो ये विदेश जाने का योग बताता है, विदेश जाने का योग इसमें मिलता है। ये भाग्य रेखा पर त्रिशूल की एक शाखा यदि गुरु पर्वत, ये गुरु पर्वत है हमारा, और ये भाग्य रेखा है, मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं, ये हमारी भाग्य रेखा जारी है, तो इसकी एक शाखा ये गुरु पर्वत, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे ये गुरु पर्वत, ये एक शाखा अगर गुरु पर्वत पर जारी है तो व्यक्ति को अध्ययन और प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ मिलता है। और यदि शाखा सूर्य पर्वत, इधर ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर चली जाए तो व्यक्ति को कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलती है। कैसे जाता है त्रिशूल, ये बता लेता हूँ मैं। ये भाग्य रेखा है और ये त्रिशूल बन रहा है इसमें, ये पूरी भाग्य रेखा है हमारी, अपने हाथ में देखिए, तो इसमें अगर ऐसे आ रहा है, एक त्रिशूल ऐसे बन रहा है, तो ये गुरु पर्वत की ओर, ये सूर्य पर्वत की ओर चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये लाभ होता है कि शाखा सूर्य पर्वत पर चली जाए तो व्यक्ति को कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलती है, और गुरु पर्वत पर चले जाए तो व्यक्ति को अध्ययन और प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ मिलता है। ये त्रिशूल के बारे में, हमारे हस्तरेखा में जो बनता है उसके बारे में भाग एक था, ये पार्ट वन। पार्ट टू मैं दूसरे संडे को बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी विश्लेषण है और इसका अलग अलग रेखाओं पे अलग अलग महत्व है। आप सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, जब ये वीडियो चल रही है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा, वो क्लिक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए जी। और कुछ अगर आपने पूछना है तो नीचे कमेंट में लिख लीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों का आपका जवाब आने वाली वीडियो में दिया जाए। अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचानी है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप
और फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आपका दोस्त भास्कर आनंद डोभाल।